कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले की वजह से भारत और पड़ोसी मुल्क के बीच तनाव बढ़ने का असर गुरुवार को दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस के यात्रियों को भी झेलना पड़ा। समझौता एक्सप्रेस करीब 5 घंटे की देरी से दिल्ली स्टेशन पहुंची है। इस दौरान अपनों को देखकर कुछ लोगों की आंखों में आंसू साफ नज़र आ रहे थे। उस दौरान पड़ोसी मुल्क से आने वाले यात्रियों के परिजन कह रहे थे, एक एक पुलिस वाले का शुक्रिया कि आप हमारे अपनों को बॉर्डर से ले आए। ट्रेन में 76 भारतीय और 41 पड़ोसी मुल्क के नागरिक थे। बता दें कि बाघा स्टेशन पर पड़ोसी मुल्क ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ट्रेन को आगे ले जाने से मना कर दिया था। ट्रेन जब करीब सुबह 8:15 पर दिल्ली स्टेशन पहुंची, तो माहौल काफ़ी भावुक हो गया। परिजनों को देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। भारत और पड़ोसी मुल्क को जोड़ने वाली इस ट्रेन सर्विस को पड़ोसी मुल्क ने बंद कर दिया है। इस खबर पर कई लोगों ने दुख भी जताया है। बता दें कि पड़ोसी मुल्क अथॉरिटी ने दोपहर में इस ट्रेन के परिचालन को अनिश्चितकाल के लिए रद्द करने की घोषणा कर डाली, लेकिन तब 100 से ज़्यादा यात्री समझौता एक्सप्रेस से भारत आने के लिए लाहौर से बाघा बॉर्डर के लिए निकल चुके थे। उस बीच ट्रेन के बाघा बॉर्डर पहुंचने पर उसके साथ आए पड़ोसी मुल्क सिक्योरिटी गार्ड्स और क्रू मेंबर्स ने भारत में अपनी सुरक्षा को खतरा होने की आशंका जताते हुए ट्रेन को आगे अटारी बॉर्डर तक ले जाने से मना कर दिया। इससे यात्रियों के बीच भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। भारतीय अथॉरिटी की तरफ से पहले तो क्रू मेंबर्स को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई कि भारत में हालात बिल्कुल सामान्य हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, और अगर फिर भी उन्हें कोई खतरा लग रहा है तो भारतीय अथॉरिटीज की तरफ से उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जब पड़ोसी मुल्क के क्रू मेंबर्स ने ट्रेन को आगे ले जाने से इनकार कर दिया, भारत की तरफ से ट्रेन को बाघा बॉर्डर से अटारी बॉर्डर तक लाने के लिए अपना इंजन, क्रू मेंबर और सिक्योरिटी गार्ड्स भेजने पड़े। तब जाकर शाम 4:45 के करीब ट्रेन अटारी बॉर्डर पर पहुंच पाई। उसके बाद इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार करीब 1:30 पर ट्रेन अटारी बॉर्डर के लिए दिल्ली से रवाना हुई। द डेली न्यूज़ रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।